सेंटर में, जहाँ पर एक सेमिनार आयोजित किया गया है, यहाँ पर अवार्ड फंक्शन भी होगा। आज का टॉपिक सेमिनार के लिए रखा गया है नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली है। जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर एडवोकेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आइए जानते हैं यहाँ पर किस किस तरह की यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी। Not by only imagination, but sheer dint of, I mean, I would say that it is there in the constitution. And then UN General Assembly accepted it 2011. What best you need? They said that yes, we should remain happy. Rather than we are running a race, which there is no end, there is no destination. You might be having 1,000 crores turnover, he might be having 1 lakh turnover, but what is the end to it? So to me, GDP, I certainly accept and agree with the concept of GDS is more important than the GDP. And having invited you all, now I mentioned that if you want to be happy in life, work hard. Hard work brings happiness, and intelligent hard work brings prosperity. Inflation is at all-time low. It has been the average inflation for past 6 years. Has been at all time low if you compare it on a relative scale to past decades. The physical deficit ratio and all any macroeconomic number that you see is by and large very much in desirable directions, so to speak. So who is the real driving force behind this? I believe it is the energy and the diligence of people like all of you who are putting in your hard work every day, and not only are you running your own businesses, you are giving employment to large number of other people in your businesses, and also making the Indian economy prosper and progress. और बाकी जो भी gases आने लगे, और ये सब voluntary appeal थी, सभी लोगों ने छोड़ा, तो देश के जनमानस में भी बहुत capacity है, उनके माइंडसेट में भी, उनके मन में भी ये भाव है कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। एंड द वर्ड गोस टू मिस्टर चंद्रशेखर धनकरकर, सर सेट ऑफ अप टुगेदर फॉर मिस्टर एसडीआर विजय सिंह, सर दिस सेट प्लीज सर, फ्रॉम बीएसबी फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्टिसाइड्स, Engineering and Solutions Private Limited, Chennai. The company is leading in the field of automotive engineering. Award function जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि it is step in the right direction. Recognizing the talents. Actually क्या है हमारे देश में खुद खुद के talent भरी पड़ी है. गांव से लेके शहर तक, स्टेट से लेके नौकरी तक, दिल्ली तक, ट्रैवल करना सबके लिए इतना आसान नहीं है. अगर ये एक कदम लिया गया है और ये कदम लिया जाता है टाइम टू टाइम, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कुछ ये हो नहीं सकता है कि सबको पद्मा अवार्ड, चाहे यू नो पद्मश्री, पद्मभूषण, ये सारे अवार्ड सबको मिल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर कितने लोग कॉम्पिटिटर्स हैं. बट अगर ये जो रिकगनाइज करें, सपोज 100 लोगों को रिकगनाइज किया गया, इन्होंने सेवरल फील्ड से है, कोई टूरिज्म से है, कोई यू नो फार्मास्यूटिकल से है, तो ये जो रिकग्निशन उनको मिलता है, कहीं ना कहीं पर उन्होंने जब जाएंगे अपना राज्य में, अपना शहर में जाएंगे, अपना गांव में जाएंगे, तो उनको ये लग सकता है कि भैया मैं आज अचीवमेंट करके आया हूँ. इट मे नॉट बी एनीथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ अ बिग अचीवमेंट आई मस्ट से फॉर दोज पीपल हु हैव अचीव्ड टुडे एंड गॉट दिस अवार्ड, व्हिच इज वेल डिजर्विंग. सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा, अवार्ड जो है, रिकॉग्निशन जो मिलता है, वो रिकॉग्निशन तो मिलता है कि अपना कैलिबर लोगों को, बट जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रिकॉग्नाइज करता है, कहीं ना कहीं पर तो ये जो रिकॉग्निशन मिलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत बड़ी होती है. इसलिए बड़ी होती है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मिस्टर जहार उनियाल उसको हेड कर रहे हैं, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है या उन्होंने वो जो स्टेप्स नहीं उठाते, तो कितने लोग आज जो आपने देख रहे होंगे कि कितना स्माइल है, कितना ग्लो है फेस में, उनको जब रिकग्निशन मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि
ये जो रिकॉग्निशन ही होना चाहिए। सेकेंडली कोई बोल सकता है कि आज ठीक है कि हमने इतना दूर से आए और हमारे एक घंटे में खत्म हो गया, बट इसका बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि रिकॉग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली और एमंग ऑल दिस इंडस्ट्रीज जो जैसे कि मैंने बोला था कि टूरिज्म है, इसने पैकेजिंग इंडस्ट्री, अभी जैसे मेरे को नहीं है वो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, वो पुणे से आए हैं बेचारे, बट उनको रिकॉग्निशन मिलने के बाद बोलते हैं कि हमें बहुत मजा आया। आज का जो बात था बड़ा ही अद्भुत फंक्शन, कई मामले में फंक्शन की कार्यवाही 3:30 बजे शुरू कर दी थी, 3:30 बजे शुरू कर दी, 6 बजे खत्म करना, 6 बजे खत्म। ये दिल्ली में एक अनूठी घटना है। दूसरी बात, हमारे अवार्डीज थे जो इसमें आए थे वो सोशल सेक्टर से थे, इंडस्ट्री से थे, टेक्नोलॉजी से थे, हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के लिए, कला के क्षेत्र से, और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी होगी उस क्षेत्र से, एनवायरमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है, उसके उसमें भी जिन लोगों ने उपलब्धि की है वो भी, तो ये मिला जुला के इस अवार्ड फंक्शन से ये सिर्फ संतुष्टि ही नहीं प्रसन्नता भी। और मैं देख रहा था ये जो जवाहर उनियाल हैं उनकी एनर्जी अद्भुत है, हर जगह थे, सबका फंक्शन देख रहे और सारे लोगों का व्यवहार बहुत ही सुंदर रहा। और रिकॉग्निशन जो है वो ट्रू अचीवमेंट से होता है, और इसलिए मैंने अपने संभाषण में उनसे कहा कि देखो एक नया भारत बनाना, और हमारी जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है। In the organic business, since 2010 onwards, so that time we, that is the organic business, organic business as well in the all India basis. After 2014, the government has started giving some incentives and commission things to organic business and all that. Before that, we have started by our ourselves. We have developed something which is unique, remarkable. So now is that everybody is working on how to replace the chemical fertilizers. Until unless we cannot replace the chemical fertilizers, the pollution level and the fertility of the soil cannot be controlled. The depletion of the fertility of the soil cannot be controlled. We have successfully developed this after research work. Rigorous research work for more than 8 years. We have just submitted the report to the Government of India, the Agriculture Department, and the, as well as the PMO. And let's see what happens to the government. आने वाले लाइन में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं और इनकी ही तरह कुछ अवार्ड? हमारी जो संस्था है इडरा, हम कोशिश करते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम अवार्ड करें, उनको प्रोत्साहित करें, टू एनकरेज देम टू एबल टू सी। गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अवार्ड टू एवरी वन, हाउ मेनी पीपल कैन दे गिव, सो संस्था लाइक आवर्स इडरा, वी ट्राई बेस्ट टू एनकरेज यंग पीपल, यंग बिजनेसमैन टू बेटर हेल्प इंडियन इकॉनमी ग्रो। दैट इज व्हाट द एम ऑफ दिस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इडरा। सर, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, फॉलो द रूल्स, वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट द गवर्नमेंट से इंडिया टू एरा वेरी, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड एंड अवार्डेड इन योर वॉट एवर बिजनेस यू टेक अप, वॉट एवर एंटरप्राइज यू टेक अप। दैट इज व्हाट आवर एम इज, दैट डू ऑनेस्ट बिजनेस एंड डू द राइट बिजनेस एंड हेल्प योर कंट्री टू ग्रो। देखिए, देश के विकास में, देश की प्रगति में हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स का, बिजनेसमैन का, कारोबारियों का अहम योगदान रहता है। और मैं
इड्रा और ऐसे जितने संगठन काम कर रहे हैं जो कि इस तरह के नई प्रतिभाओं को और मेहनतशाली जो भी हमारे कारोबारी हैं उनको ऑनर करते हैं, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और क्योंकि ये लोग खुद अपने व्यवसाय चला रहे हैं, इन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले लोग हैं ये लोग, तो बहुत अहम योगदान है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से, हर कोने से, हर बिजनेसेस से लोग यहाँ पे आए और उनको उनका जो भी रिचली डिजर्व सम्मान था वो दिया इड्रा ने, तो मैं इड्रा और उसके सभी ऑफिस बेयरर्स को बधाई देता हूँ और जितने भी लोगों को ये सम्मान मिला, ये ऑनर मिला, उन सभी को भी बधाई देता हूँ। और ये भी जो मुहिम है इड्रा की कि जितने बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समय समय पे याद करते रहना, दिलाते रहना, जागृत करते रहना, उनके और क्या दायित्व है समाज के प्रति, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इड्रा को और जितने भी आज के अवार्डीज हैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और हमारे आदरणीय बीपी सिंह साहब आए, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से देश में और माहौल जो है और भाईचारा बन रहा है और हारमोनियस एटमोसफेयर है और आगे किस तरीके से ये पीस और प्रोग्रेस को, इट विल आशर इन अ न्यू एरा ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। थैंक यू।